नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इससे पहले वाली वीडियो में हम बहुपद कंप्लीट कर चुके हैं, उनका बेसिक, और आज हम लेकर आए हैं बहुपदों का योग एवं अंतर। ठीक, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको जाकर देखिए, उसके बाद हम बहुपदों का योग एवं अंतर अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं बहुपदों का योग। उसमें देखिए, हम बताए थे चर और अचर, हम बताए थे एक जो बहुपद का बेसिक वीडियो है उसमें क्या बताए थे हम, चर और अचर। देखिए चर हमारा क्या होता है, क्या बताए थे हम, यक्स प्लस या यही सब, यक्स या अल्फ़ाबेट हमारे जो पूरे होते हैं क्या होते हैं हमारे, चर होते हैं। ठीक, तो यानी कि यक्स प्लस यक जुटेगा तो क्या होगा हमारा, टू यक्स होगा। दूसरा देख लेते हैं, अगर टू यक्स प्लस यक्स जुटेगा तो क्या होगा, दो एक तीन यक्स हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है हमारा, कि अगर चर उसी चर में जुटेगा, अपने ही चर में जुटेगा, यानी कि वाई है तो हमारा वाई में ही जुटेगा, अन्यथा किसी में नहीं जुटेगा। अगर हम कह रहे हैं कि यक्स को वाई में जुड़ने पर क्या प्राप्त होगा, तो हम कह रहे हैं यक्स प्लस वाई, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर यक्स प्लस वाई इक्वल क्या होगा हमारा, यक्स प्लस वाई ही बस, और कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ जुड़ने लायक है ही नहीं। ठीक, इसी तरह हम क्या करते हैं, इनका योग करते हैं। मान लीजिए कोई भी सवाल ऐसे दे दिया हो, मान लीजिए यक्स प्लस टू यक्स प्लस वाई प्लस थ्री वाई प्लस फोर यक्स प्लस, ठीक, तो क्या हम यक्स यक्स में जुटेगा और वाई वाई में जुटेगा। देखिए कहाँ कहाँ पर यक्स है, यहाँ पर यक्स है। ठीक, एक यक्स और दो यक्स यहाँ पर है, यानी कि तीन यक्स और चार, चार तीन सात, सेवन एक्स प्लस एक वाई यहाँ पर, तीन वाई यानी कि चार वाई फोर वाई। अब ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक, अगर देख लीजिए इसी तरह अगर मान लीजिए दिया हो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस टू वाई प्लस टू वाई स्क्वायर। ठीक, देखिए इतना बड़ा सवाल है, लेकिन हमको केवल ध्यान में अपना बेसिक रखना। अगर बेसिक देखिए पता हो हमको, तो कितना भी बड़ा सवाल हो, सवाल को अगर आप आराम से सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर अब एक्स स्क्वायर में जुटेगा। देखिए इसमें इनमें कहीं एक्स स्क्वायर है, कहीं भी नहीं है एक्स स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या हमारा टू एक्स है, देखिए टू एक्स है। ठीक, अब देखिए इसमें कहीं टू एक्स वाला कोई पद है, नहीं ना है। देखिए इनमें यक्स है, लेकिन क्या है वाई भी है, यानी कि इनमें भी नहीं जुटेगा, क्योंकि इसमें केवल यक्स है और इसमें केवल दोनों हैं, यक्स वाई दोनों हैं। ठीक, तो इनमें भी नहीं जुटेगा, यानी कि हमारा टू एक्स होगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। देखिए अब यहाँ यक्स वाई यहाँ पर भी है और एक यक्स वाई यहाँ पर भी है, तो दो एक थ्री एक्स वाई, थ्री यक्स वाई, वाई स्क्वायर देख लेते हैं, वाई स्क्वायर एक यहाँ पर है और दो यहाँ पर है, तो कितना आ जाएगा हमारा प्लस थ्री वाई स्क्वायर। ठीक, अब देखिए अब इनमें नहीं कुछ जान लायक, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक, कहने का मतलब क्या है, हमारा जो चर होता है वह केवल अपने ही चर में जुड़ता है। ठीक, जुड़ता होगा या घटेगा भी अपने ही चर से। ठीक, अब इसका योग पढ़ रहे हैं हम, मान लीजिए कह रहे हैं कि थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स, ठीक, को थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स से जोड़िए। ठीक, इनको जोड़ना है मान लीजिए दोनों को, तो हम लिख रहे हैं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स। देखिए हम जोड़ने के लिए कर रहे हैं, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर हम देखिए हमारा थ्री एक्स स्क्वायर तो हो गया कहीं, क्योंकि इसमें इनमें नहीं नहीं थ्री एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, दोनों में है, यानी कि हमारा देखिए तीन एक्स तीन यहाँ पर है, तीन यहाँ पर है, यानी कि छः एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर फोर एक्स है और यहाँ पर माइनस सेवन एक्स है, जोड़ तो रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब चिन्ह हमारा क्या है, विपरीत, यानी कि घट जाएगा, यानी कि क्या होगा माइनस, जिसका चिन्ह उसका चिन्ह लेंगे जो संख्या हमारा बड़ी होगी, जिसका गुणांक मतलब बड़ा होगा, सात क्या है बड़ा हमारा, तो कितना हो जाएगा माइनस थ्री एक्स। ठीक, उसके बाद माइनस थ्री एक्स और यहाँ छः बचा ही है। ठीक,
इनमें तीन कॉमन भी हो जाएगा, इसको ऐसे छोड़े नहीं, बस जोड़ना हमें बस है, इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। ठीक, योग हो तो पता चल गया। अब मान लीजिए इससे दिया हो, एग्जांपल देख लेते हैं दूसरा हम, एक्स स्क्वायर प्लस टू आई प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, मान लीजिए यही हो, इनको ऐसे मतलब जोड़ना है इसमें, तो क्या हमारा एक्स स्क्वायर कहीं पर है? नहीं है एक्स स्क्वायर, यानी कि हम आरोही, देखिए देखिए इनको लिखने का भी एक क्रम होता है, चाहे बढ़ते हुए क्रम में लिखें यक्स के या वाई के, या घटते हुए क्रम में लिखें यक्स और वाई के। ठीक, तो हम पहले देखिए सबसे बड़ा इसमें देखेंगे कि बहुपद कितना, हमारा बहुपद की घात कितना है, यानी कि तीन घात है, तो सबसे पहले हम यक्स क्यू को बाहर लाएंगे, यक्स क्यू भले स्क्वायर हमारा पहले है, ठीक, लेकिन हम यक्स क्यू को पहले लिखेंगे क्योंकि यह सबसे बड़ा घात है। ठीक, तो यक्स क्यू, उसके बाद क्या है, यक्स क्यू कहीं नहीं है, प्लस यक्स स्क्वायर है, हो गया हमारा। ठीक, एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए, अब यक्स का घात कितना है, यक्स का घात देखिए यहाँ पर, यक्स प्लस यक्स वाई, इनमें कोई मतलब कुछ भी जुटने लायक नहीं है, यानी कि हमको सिर्फ एक सीक्वेंस में लिखना है। ठीक, बस यक्स वाई हो गया। अब क्या लिखा जाएगा हमारा, प्लस टू आई लिखा जाएगा, प्लस अब वाई स्क्वायर लास्ट में है ही। ठीक, यानी कि एक दो तीन चार, चार पद, पांच पद हैं, एक दो तीन चार पांच पद इसमें भी हो गए। ठीक, तो हमको इनमें कुछ जोड़ना नहीं था। अब लिखिए, मान लीजिए अगर इसी में हमको, हम कह रहे हैं इसी में हमको थ्री यक्स प्लस फोर वाई जोड़ना है। ठीक, थ्री यक्स प्लस फोर वाई जोड़ना है, अगर इसी में हम कह रहे हैं, तो देखिए यक्स वाला कहीं पद है इनमें, कहीं नहीं है, नहीं ना है, तो हमारा इनमें यहाँ तक तो यहीं सेम रह जाएगा, लेकिन देखिए वाई वाला पद है, तो वाई वाला क्या पर है, यहाँ पर है ना टू आई, तो दो और चार छः वाई, यानी कि हम इसको ऐसे लिखें एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस दो और चार छः वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया योगफल। देखिए आप सॉल्व क्वेश्चन करिए, अगर बेसिक पता हो तो आपका एक भी सवाल फंसेगा ही नहीं, ठीक ना, बस ऐसे केवल एक्स को एक्स में जोड़ना है, वाई को वाई में जोड़ना है, अगर चिन्ह विपरीत है, बाकी आपको बेसिक तो पता होगा, अगर कॉम्प्लेक्स में अगर दे दिया है तब भी उसको आराम से सॉल्व करिए। ठीक, अब इसका अंतर देख लेते हैं हम, ये हमारा योग हो गया बहुपद का योग, अब इसका अंतर देखेंगे हम, लिख दे रहे हैं हम बहुपद का, ठीक बलर चलिए, अगर यक्स स्क्वायर प्लस टू यक्स प्लस फाइव है, और इनमें से अगर हम हमारा यक्स स्क्वायर प्लस टू यक्स प्लस थ्री घटाना हो तो क्या करेंगे हम? ठीक है, घटाने के लिए क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, लेकिन ऐसे हम नहीं लगाएंगे माइनस, यानी कि हमारा ऐसे माइनस लगाएंगे तो इसके साथ ही केवल माइनस आएगा हमारा, यानी कि हमारा पूरा माइनस करना ना इसमें से, यानी कि हम पूरा ऐसे कोष्टक में लिखेंगे इसको। ठीक, तो अगर कोष्टक में लिखने का मतलब क्या है हमारा, इस पूरे के साथ पूरे के आगे मतलब पूरा हमारा माइनस में है, यानी कि पूरा हम घटा रहे हैं ना, केवल एक्स स्क्वायर को थोड़ी ना घटा रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, और माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और कितना हो जाएगा हमारा, माइनस टू एक्स और माइनस थ्री। ठीक, देखिए यहाँ पर एक एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, घट जाएगा तो मतलब, और पाँच और माइनस, यानी कि दो हमारा आंसर होगा। ठीक, अगर हम केवल यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो गलत हो जाएगा, यही सब हमको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, ठीक ना, तभी हमारा आंसर सही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, मान लीजिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए इनमें भी पहले भी माइनस आ सकता है, ये कोई बात नहीं हुआ कि मतलब इस उनमें भी पहले लगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस टू आई स्क्वायर। ठीक, और इनमें क्या घटाना है, इनमें से हमको घटाना है पूरे को, ऐसे कोष्टक में लिखेंगे हम। ठीक, ये हमारा एग्जांपल नंबर दूसरा है। ठीक, तो मान लीजिए हमारा लिख रहे हैं
एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर, ठीक इतना लिख दिए हम। तो हम पहले इसको तोड़ लेते हैं सबको, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस फोर वाई स्क्वायर। देखिए हमारा सबका यहाँ पर चिन्ह, देखिए सबका चिन्ह बदल गया, सब माइनस में हो गया, ठीक। कहने का मतलब क्या, हमारा पूरे के साथ माइनस को नहीं, पूरे को हटाना है इनको, ठीक। देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब है, अब एक्स क्यूब कहीं पर है नहीं है, तो हम यहीं पर ऐसे लिख लेंगे एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर वाला कहीं पर है, देखिए स्क्वायर वाला है, ठीक, लेकिन हम घटा रहे हैं यानी कि हमारा दोनों माइनस है, ठीक। तो अगर माइनस माइनस रहता क्या हो जाता, हमारा जुट जाता है, यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और चिन्ह हमारा क्या माइनस ही लेंगे, यानी कि जोड़ रहे हैं तो प्लस कर देंगे, ठीक। तो हमारा चिन्ह क्या होगा, माइनस हो गया, और बाकी संख्याएँ अपन आपस में जुड़ जाएंगी, थ्री एक्स स्क्वायर। और देखिए एक्स वाई वाला कहीं पद है नहीं है, क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, नहीं ना है, हाँ चलो ठीक है, एक्स वाई, ठीक, प्लस वाई स्क्वायर वाला, देखिए यहाँ पर प्लस टू वाई है और यहाँ पर माइनस फोर वाई स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, घटेगा ना, यानी कि ये देखिए यहाँ चिन्ह गलत लिखे हैं, हो गया हमारा गलत, क्योंकि हमारा एक कम है और ये हमारा ज़्यादा है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस टू वाई स्क्वायर, ठीक, और ये हमारा तो हो ही गया है, और माइनस टू वाई, क्योंकि इनका कोई वाई वाला पद इसमें है ही नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आराम से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, केवल एक एक चीज़ को देखिए, हमारा जो चर अचर बताएं केवल उसी के साथ जुटेगा और घटेगा, ठीक, समझ में आ रहा। अगर लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम, तीसरा मान लीजिए एक्स क्यूब थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई माइनस, अब पूरे के में से हमको क्या, पूरा फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स वाई, आ नहीं रहा है वहाँ पर, ऐसे कोष्टक लगा देंगे मान लीजिए यहाँ पर लास्ट में, ठीक ना। देखिए अब थ्री एक्स क्यूब प्लस फोर वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई, यहाँ तो हमारा चलिए कुछ नहीं करना था, लेकिन जब यहाँ पर देखिए हमारा, देखिए चिन्ह अगर माइनस में क्या होगा, हमारा फोर वाई एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर ठीक, लेकिन अंदर हमारा क्या है, माइनस है, और माइनस का गुणा माइनस में हो रहा है, ठीक ना। अगर एक तरह से देखिए यहाँ पर गुणा ही होता है हमारा ये, क्योंकि ये कामन है, कामन का मतलब इन सब के साथ है, कामन का मतलब क्या है, सबके साथ है माइनस, यानी कि माइनस अंदर मल्टीप्लाई करने, देखिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस थ्री वाई स्क्वायर, और ये भी प्लस हमारा एक्स क्यूब, और हमारा यहाँ पर प्लस है तो ये हमारा केवल माइनस हो जाएगा, ठीक। अब इनको हम ऐसे लिख दिए, अब जो करना है अपना कर लीजिए, ठीक। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि है थ्री एक्स क्यूब और यहाँ एक्स क्यूब एक, फोर एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक, दिख नहीं रहा है, चलिए ठीक, फोर एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर का कोई है यहाँ पर, वाई स्क्वायर यहाँ पर है थ्री एक्स स्क्वायर और यहाँ पर फोर वाई स्क्वायर, यानी कि प्लस सेवन वाई स्क्वायर और थ्री एक्स वाई, और यहाँ पर माइनस एक्स वाई है, देखिए कि क्या हो जाएगा हमारा, टू एक्स वाई हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाला नहीं है कि पहले यहाँ पर, तो हमारा फोर एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू यहाँ पर है, ये भी नहीं होगा, चलिए ठीक है, यहाँ पर माइनस फोर एक्स स्क्वायर होगा, ठीक। लेकिन यहाँ यहीं पर हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनको पहले एक सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा कि एक्स के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में, एक्स के घात के, तो हमारा फोर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस सेवन वाई स्क्वायर, चाहे घटते हुए क्रम में लिखें चाहे बढ़ते हुए क्रम में लिखें, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक। बाकी हमारा आप क्वेश्चन करिए, फिर अगले वीडियो में न्यूमेरिकल चाहे अगला स्टेप पे हम लोग चला जाएंगे, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।